माजरा क्या है, आर्मियों की गाड़ी आ रही है भाई, इसलिए यहाँ रोक के रखा है रास्ता इन्होंने। कोई ना भाई, देखो आर्मियों की गाड़ी। वाह गाड़ी मस्त है भाई साहब, जो भी कहो आर्मी की गाड़ी जा रही है भैया। गाड़ी बड़ा भयंकर है यार। लो भाई क्लियर हो चुका है, अब हम जा सकते हैं। ए, मेरा फ्यूल टैंक पे यार एक काटा फ्यूल दिखा रहा है, फ्यूल अप करना चाहिए था तब मुझे भाई। दो सिल फ्यूल था इसलिए मैं सोचा फ्यूल अप नहीं करूँगा, बट अब तो यार वो एक काटा दिखा रहा है तो भाई पता नहीं फ्यूल कितना होगा। चलो देखा जाएगा, कुछ भी है भाई, अगर सामने कहीं लोकल में फ्यूल मिलता है तो फ्यूल डलवा लेंगे। फिलहाल अभी हमें थोड़ा जाना है चिलापता के साइड, तो थोड़ा अंदर जाना है, तो यार उधर तो फिर कोई दुकान वगैरह है नहीं, फॉरेस्ट है ना, तो उधर फ्यूल मिलने का कोई चांसेस नहीं है, तो जिस कारण से भाई यहीं पे देखते हैं लोकल पे यार फ्यूल डलाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगा था दो सेल फ्यूल है तो कोई टेंशन नहीं, जाके आ जाएंगे उसके बाद फ्यूल अप कर लेंगे फ्यूल जंक्शन में, बट यार यहाँ देख रहा हूँ अभी इधर आते आते एक सेल हो गया, और हम अगर बाइक चलाएंगे तो भाई ये भी कब फूक जाए कोई ठीक नहीं है, जिस कारण यार चलो आगे कहीं पर फ्यूल अप करना पड़ेगा आई थिंक, वरना दिक्कतें हो सकती है यार, क्योंकि उधर फॉरेस्ट एरिया है पूरा, ठीक है ना भाई। और ये जो है ये आर्मी एरिया है भाई, आप लोग ने तो आर्मी की गाड़ी की देखी होगी, मस्त है भाई, पता नहीं क्या चीज़ का गाड़ी था लेकिन वो जो भी था दिख रहे हैं मस्त था। अपना गुरुद्वारा भाई, गाय कैसे यार रोड के बीच में बैठी है यार। अपन लोग ज़्यादा अंदर भी नहीं जाने वाले हैं, जिस कारण से इतना तेल में अप डन तो हो जाना चाहिए, बट मैंने बहुत बड़ा गलती किया यार, मुझे फ्यूल अप कर लेना चाहिए था आई थिंक, फ्यूल अप नहीं करके गलती कर दी एक मैंने यार। अभी अगर मैं फ्यूल अप कर लिया होता ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं जितना भी चाहे अंदर जा सकता था भाई। लीन आने वाला है, चेक करो। या भाई तुम्हारा भाई उतना तगड़ा तो फटता है लीन मारने का टाइम में, बट कोशिश किया थोड़ा बहुत लीन मारने का। मैं ज़्यादा स्पीड भगा भी नहीं सकता हूँ बाइक को, बिकॉज बाइक में ज़्यादा तेल नहीं है। अगर यार मान लो कि मैं स्पीड भगा रहा हूँ अगर बाइक की तेल फूक गई, तो मैं करो मस्त ब्लॉक को और सिनेमेटिक चेक करो गाइस। तो एक ही सेल फ्यूल है, अगर ये फूक गया तो मेरी फूक जाएगी, फिर उसके बाद मैं क्या ही करूंगा। तो भाई इतना ही बस, ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, ज़्यादा सामने भी नहीं, आपको आधा अधूरा हम लोग चिलापता फॉरेस्ट जो है वो दिखा देंगे। बाकी यार नेक्स्ट व्लॉग में जब मैं और कुछ ही दिन में कुछ बिहार भी राइड करने वाला हूँ, जब कुछ बिहार राइड करूंगा तो उस वाला व्लॉग में तो आपको ये पूरा दिख ही जाएगा, बिकॉज जब मैं कुछ बिहार जाऊंगा तो इसी साइड से जाऊंगा, यही वाला रोड होके जाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा और दिख भी जाएगा भाई। तो चलो चलते थोड़ा आगे तक, वहाँ पर एक गांव भी है, वो गांव तक जाके घूम के चलते हैं, एक थंबनेल के लिए पिक लेते हैं, उसके बाद यार एंजॉय करो आप सीन को, सिनेमैटिक मिलेगा आपको। निकल चुके हैं, बिकॉज यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अलाउ भी नहीं है रुक के फोटो वोटो खींचना, पहले था अभी अलाउ नहीं है, बंद कर दिया है। तो जब हम लोग वहाँ पर रुक के रील्स शूट कर रहे थे तो हम लोग को कुछ गार्ड्स आके बोले कि बच्चा बाबू जो भी है तुम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर मत रहो, यहाँ से निकल जाओ, बिकॉज यहाँ पर अभी किसी को रुकने के लिए अलाउ नहीं है। तो उस कारण से अभी हम लोग वहाँ से निकल पड़े हैं आगे अपने घर की ओर। तो भाई मैं कि यार कि जाने का टाइम ना मैं हाईवे से होते हुए यहाँ पर कुछ फ्यूल भी भर लूँ और हाईवे के पास से होते हुए जाओ, और हाईवे तो यार हाईवे ही बनता है भाई। काफ़ी दिन से यार मैं कह रहा हूँ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लेकिन कोई भी नहीं करता, पता नहीं यार क्यों, मेरा वीडियो अच्छा नहीं होता या फिर कंटेंट अच्छा नहीं होता है पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वीडियो का क्वालिटी सही नहीं है कुछ भी, क्योंकि यार मैं फ़ोन से ही शूट करता हूँ ये तो सबको मालूम है, पर फिर भी बता चुका हूँ मैं, फिर और एक बार बता रहा हूँ। तो भाई अभी देखो दो सेल दिखा रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ तीन करूँगा भाई,
पर कोई ना, अभी भी लीन मारी देंगे हम लोग यार जान, लीन मारने में भाई ये जो मजा है ना लीन में भाई, मजा आ जाता भाई। भाई लीन जस्ट ना मैं अभी बस सीखा ही हूँ भाई। हमारी गाड़ी भी ओवरटेक मारने में बहुत टाइम लगाती है भाई, इसलिए मैं फट से ओवरटेक नहीं मारता किसी भी गाड़ी को, बड़ी गाड़ी को। देखो आगे जा रही है छबड़ी राइडर, छबड़ी राइडर, इनको मैं अपना वीडियो में शूट करूंगा। छबड़ी राइडर जा रहा है भाई, देखो छबड़ी वैसे लगना नहीं है भाई, फालतू में राइड की माँ भी नहीं कर देगा। चले जाते हैं फ्यूल अप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है फ्यूल सेक्शन में। चलो आने का टाइम भरेंगे, अब तो पास ही है हाईवे, आने का टाइम भर लेंगे भाई, आने का टाइम भर लेंगे। अब तो हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, यहीं पे जाना है, आने का टाइम भर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलो तो आप कह रहे भाई की लाइसेंस में बहुत इशू है भाई, पकड़ लेगा ना तो गांव में डंडे मिलेंगे भाई हमें चार। बाकी आ गए यार रे अपना हाईवे मोहब्बत, यहीं से कुछ सिनेमैटिक शॉट लेंगे और आप लोग एंजॉय करो सिनेमैटिक शॉट को, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो क्या बोलता पब्लिक, व्यू चेक करो यहाँ का, व्यू क्या मस्त तगड़ा है भाई, वो असम क्या ही बोलूं भाई। मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन यहाँ का तारीफ जितना बार करूँ ना भाई उतनी बार कम है, क्योंकि यार यहाँ से जो खूबसूरती दिखती है ना वो कहीं और भी नहीं है, कहीं और में नहीं है भाई। तो भाई हम लोग वहाँ से आगे फ्यूल सेक्शन में फ्यूल अप नहीं करें, यहाँ जाने का टाइम करेंगे, लेकिन यहाँ का भी थोड़ा एंजॉय कर लेते सीन को भाई। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं सोचा यार चलो ब्लॉक करते हैं, इधर ही उधर ही करते हैं, कहीं भी करते हैं, अपना पब्लिक को ब्लॉक देते हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं मेरे ब्लॉक का, मुझे अच्छा से मालूम है ये चीज़ भाई। सीन चेक करो ना जरा एक बार इधर का साइड का, क्या मजा है। तो फटाक से चलो यहाँ जगह का एक अच्छा सा सिनेमैटिक बना के आप लोग को दिखाते हैं और आप लोग एंजॉय करो ब्लॉग को, और अगर अभी तक ब्लॉग देख रहे हो तो ब्लॉग में लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा से कमेंट कर दो ताकि हम लोग को मालूम चले कि आप हमारे ब्लॉग में हमें सपोर्ट कर रहे हो भाई। चलो बोलता पब्लिक, चलो जल्दी से जल्दी फ्यूल सेक्शन के पास मिलते हैं आपसे, जल्दी से जल्दी फ्यूल अप कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद निकलते हैं भाई घर की तरफ अपनी, ठीक है। तो आ गए यहाँ पर फ्यूल अप करने के लिए, यहाँ पर चलो भाई हम लोग का फ्यूल अप भी हो गया, अब देखते हैं कितना सेल हुआ होगा फ्यूल, क्योंकि भाई हमारा बाइक फ्यूल पूरा भयंकर खा रहा है भाई। सेल तो एक के एक ही है, इसमें फ्यूल अप करने के बाद भी क्या ही गजब करने, नहीं एक सेल हुआ है भाई, 200 का फ्यूल अप किया मैंने, एक सेल बढ़ा है, बोल के फायदा नहीं है, एक सेल बढ़ा है। तो भाई चलो जल्दी से जल्दी घर जाते हैं, ब्लॉग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अभी फ्यूल अप किया भाई 200 का, लेकिन भाई फ्यूल का जो सेल है वो एक ही बढ़ा है, जस्ट एक ही भाई, क्या ही बोलूँ भाई। अपाची RTR का बहुत आजकल तेल पी रहा है ये, क्या स्टार्ट क्यों बनवा, ऐसा काम मत किया करो मेरी जान, मुझे डर लगता है, स्टार्ट बंद मत होया करो। तो भाई मुझे क्या लग रहा है पता है, इसके ना हम लोग को माइलेज का ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए कि ये कितना माइलेज देती है ना, क्योंकि यार देख रहे हो ना मैंने अभी 200 का फ्यूल अप किया और ये पार्टी एक ही सेल दिखा रहा है जस्ट। तो इसका माइलेज टेस्टिंग हो जाए भाई, कमेंट करके बताना इसका माइलेज टेस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट करके होना चाहिए तो इसका माइलेज टेस्टिंग भी आएगा भाई इसी वीडियो में, इसी चैनल में मेरा मतलब, ठीक है ना। तो भाई अभी चलो चलते हैं घर के लिए, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और मैं हूँ आपका रिकी राय और आप सब देख रहे थे रिकी राय WB राइडर। तो भाई चलो खाते पीते रहो, मस्त रहो और तुम्हारे भाई को सपोर्ट करते रहो, ठीक है। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।